ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और ताज़ा अपडेट्स के साथ, ताज़ा रुझान के साथ मेरे साथ दो नए मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी और इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार सुनील जोशी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे शुरुआत करूंगा। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ जी का आत्मविश्वास अपनी जगह पे, कांग्रेस का शोर शराबा अपनी जगह पे, और जिस तरह के दावे प्रतिदावे हो रहे थे और कांग्रेस ने जो एक टेम्पो बनाया था कि वो बहुत बड़े बहुमत के साथ बहुत ह्यूज सीट्स जीतकर वो आ रहे हैं, वो ऐसा कहीं रुझानों में दिख नहीं रहा, उसकी क्या वजह है? देखिए, मूलतः ऐसा माना जा रहा था कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनका, उनके खिलाफ विरोध भारतीय जनता पार्टी का होगा, स्थानीय मतदाताओं का होगा, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी प्रदेश में घटित हुआ, जिस तरह से कांग्रेस में स्प्लिट हुआ और कांग्रेस के जो लोग बीजेपी में गए, तो लोगों का ऐसा मानना था कि शायद जनमानस का रुझान भाजपा से हटकर कांग्रेस की तरफ आ जाएगा। वो चीज़ देखने को नहीं मिली। यहाँ जैसा आपने कहा, कमलनाथ का कॉन्फिडेंस, तो एक नेता का कॉन्फिडेंस हमेशा इसी तरह का होता है कि हम जीत रहे हैं, वो अंतिम दिन तक यही कहते हैं। आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह जब 10 साल के शासनकाल के बाद हारे थे, तब वो आखिरी घंटे तक ये कहते रहे कि मैं जीत रहा हूँ, मेरी सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो इस तरह के दावे नेताओं का करना अधिकार बनता है, हक बनता है। तो एक बड़ी चीज़ तीसरी ओर जो निकल कर सामने आई वो यह थी कि जिस सत्तारूढ़ दल की सरकार होती है उसका फ़ायदा भी उस पार्टी को मिलना लाजमी है। और ये हम देश भर के उपचुनावों में भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 7 में से 5 सीटों पर आ गए है। हालांकि झारखंड में आप जो कह रहे हैं उसके ठीक विपरीत हो रहा है। झारखंड में सरकार सिब्बू सोरेन की है, लेकिन वहां के दोनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है। जेपी मूलचंदानी, आपके लिए बहुत अच्छी खबर, सुखद खबर, 20 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 1 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। लेकिन जेपी, 20 सीट आपके लिए बहुत ही संतोषजनक फिगर है, आंकड़ा है, पर फिर भी ग्वालियर चंबल संभाग में आप वैसा नहीं कर पाए जैसे आपकी उम्मीद थी। 3 बड़े नेता वहां पर आपके पास थे, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा और प्रभात झा भी वहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 4 बड़े नेताओं के बाद भी बीजेपी में सबसे ज़्यादा दाव जो है 16 सीटों पर चंबल संभाग में लगा था, वहाँ आप ठीक वैसा नहीं कर पाए जैसे कि आपकी उम्मीद थी, क्या वजह रही उसकी? नहीं, देखिए प्रतीक जी, आप देखेंगे कि सुबह के जो रुझान चालू हुए थे, पहले बीजेपी को 16 आगे बताया गया था, फिर 18, फिर 19, और अब मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ कि 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़त बनाए हुए हैं, और वो बढ़त इतनी ज़्यादा है कि अब पीछे आने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ट्रेन चल रहा है, अभी धीरे धीरे 1-2 घंटे में आप देखेंगे कि हम और भी सीटों को रिकवर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये जो चुनाव था, या हम इस विधानसभा उपचुनाव की बात करें, तो ये चुनाव था विकास वर्सेस विनाश। मैं एक मिनट के लिए रोकूंगा जी। बड़ी खबर इस वक्त भांडेर से आ रही है, लगातार पीछे चल रही रक्षा सिरोनिया अब आगे हो गई। वहां पहले दिन, पहली मतगणना के पहले दौर से भांडेर से फूल सिंह बरैया, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनके बहुत सारे विवादास्पद बयान रहे थे, खासकर लक्ष्मीबाई को लेकर उनका जो बयान था वो बहुत ट्रोल किया था, उसके बाद भी वे लगातार आगे चल रहे थे। लेकिन फिलहाल एकाएक रक्षा सिरोनिया अब वहां पर आगे हुई है, और ये जेपी मूलचंदानी और बीजेपी की एक अच्छी खबर। जेपी, आप कह रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करें। जी, मैं कह रहा था जिस प्रकार का ट्रेंड हम देख रहे हैं, 16, 18, 20, और आगे आते आते मुझे लगता है कि हम 1-2 घंटे में और भी सीटों को रिकवर करेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो था, विधानसभा उपचुनाव जो था, ये विकास वर्सेस विनाश का चुनाव था। एक तरफ थी शिवराज सिंह चौहान जी के विकास की यात्रा, और दूसरी तरफ थी कमलनाथ जी के 15 महीने की विनाश की यात्रा। और आजकल जनता समझदार है, वादों से कुछ नहीं होता, इरादों को महत्व दिया जाता है। इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, ये 15 महीने की सरकार में जनता ने देख लिया। इन्होंने कर्ज माफी की बात करें, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, तो इनकी सरकार में कुछ भी नहीं कर पाए। केवल एसी रूम में बैठ के तबादला उद्योग चलाने का काम कमलनाथ जी ने किया, और ये जनता के सामने, ये कितने भी वादे कर ले पर जनता के खाते में पैसा नहीं आएगा, किसान के खाते में, तो उसको पता है कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया है। तो उसने जब ईवीएम पे अपना बटन दबाया 3 तारीख को, तो ये सोच के दबाया कि कौन घोषणा करता है, घोषणा किसकी पूरी होती है। ये पूरा जो चुनाव था इस पर आधारित था। अब कांग्रेस भले कितने भी वादे कर ले, कितनी भी झूठी बातें कर ले, कितना भी जोर से बोल ले, परंतु आज का जो परिणाम है ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इस जनता ने चुना है, पसंद किया है। और जो हमारी 15 वर्ष की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में,
उसको पुनः स्थापित करके और पुनः मजबूती की ओर ले जाकर जनता ने उस पर विश्वास जताया। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक जिम्मेदारी और बड़ी है कि जो हम जनता की सेवा करते थे हम और अच्छी तरह उसकी सेवा कर पाए, इसके लिए जनता ने हमको ये आशीर्वाद दिया है। सुनील जोशी जी, प्रेमचंद गुड्डू की अगर हम बात करें और सावेर सीट की अगर हम बात करें, सावेर में तुलसी सिलावट काफी कंफर्टेबल बढ़त अब उनकी हो गई है, चौथे पांचवें दौर की मतगणना वहां हो चुकी है, 7-7.5 हजार वोट से वो आगे चल रहे हैं। पूरा चुनाव जिस बात के लिए प्रेमचंद गुड्डू जाने जाते हैं, आपने प्रेमचंद गुड्डू के बहुत सारे चुनाव देखे हैं, आपने आलोट का चुनाव देखा है, उज्जैन का चुनाव देखा है, सावेर का चुनाव देखा है, पंधाना से वो लड़ते रहे, इस बार प्रेमचंद गुड्डू वो प्रेमचंद गुड्डू नहीं थे जिसके लिए वो जाने जाते थे, क्या आपका आपका अनुभव क्या रहा इस चुनाव को देखकर? आपने सही कहा, इसके पहले के जो चुनाव चाहे वो सावेर का रहा हो, उज्जैन का रहा हो, आलोट का रहा हो, सब चुनावों में प्रेमचंद गुड्डू ने एक संगठित रूप से एक एग्रेसिव योजनाबद्ध तरीके से इसको कह सकते हैं, उनकी प्लानिंग चाहे वो सरपंचों से किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, कार्यकर्ताओं से कैसी डेवलप करना है, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर मतदाताओं को लाते हैं उनके साथ किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, वो सब चीज़ें वे करने में कामयाब नहीं रहे। दूसरी तरफ तुलसी सिलावट के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। यहाँ रमेश मेंदोला जी को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जो चुनाव प्रभारी वहाँ के रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता चाहे वो गौरव रणदिवे हों, राजेश सोनकर हों और सावन सोनकर हो, तमाम सारे नेताओं को एकजुट कर दिया था वहाँ पर। और सबसे बड़ा बात यही था कि दो सोनकर्स को साथ में रखकर सिलावट की मदद करना, जो कि पुष्तैनी जिनकी प्रतिद्वंदिता रही है उसको एक ही थाली में उन्होंने बिठाल कर खाना खिला दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ फिर तुलसी सिलावट ने भी बहुत खुले मन से चुनाव को लड़ाया, इसका नज़ारा सावेर क्षेत्र में जाके देखा जा सकता था। तो कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट की विनम्रता, लोगों तक पहुंचना, कार्यकर्ताओं को संगठित करना और वे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा उनके खिलाफ लड़ते थे उनको भी साथ लेकर चलना, ये उनकी जीत में एक बड़ा मार्ग रहा है। जेपी, जिस तरह से मांधाता में बीजेपी के कैंडिडेट हैं पटेल, वो काफ़ी कंफर्टेबल जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी लीड लगभग 10 हजार के आसपास हो गई है, वो आप किस तरह से लेते हैं मांधाता? क्योंकि मांधाता ऐसी सीट मानी जा रही थी कि बीजेपी के लिए कमजोर सीट है, कहा जा रहा था कि वहाँ उत्तम सिंह जीत रहे हैं क्योंकि उनके पिता राजनारायण सिंह पुरनी का बहुत दखल है, अरुण यादव की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, लेकिन जिस तरह से आपने मांधाता में बढ़त बनाई है और काफ़ी कम्फर्टेबल बढ़त बनाई है, उसका श्रेय आप किसे देते हैं? नहीं देखिए, चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार के रूप में लड़ती है। जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बात कही, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर प्रभारी भी नियुक्त होता, आपने सावेर में देखा, मांधाता में देखा, नेमावर में देखा, बदनावर में देखा, सभी जगह प्रभारी नियुक्ति किए गए और सारे नेताओं को वहाँ पर काम पर लगाया गया, सबकी जिम्मेदारी तय की गई। तो एक परिवार के रूप में जब स्वरूप बनता है, कांग्रेस में जिस प्रकार व्यक्तिगत चुनाव होता है उस प्रकार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह लड़ती है। आपने सावेर में देखा जिस प्रकार राजेश सोनकर, सावन सोनकर, मधु भैया, गौरव रणदिवे जी, रमेश मेंदोला जी, इवन वहाँ पर सुमित्रा जी, ताई जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, मानिक कृष्ण मुरारी मोघे जी, सारे लोगों का वहाँ पर पार्टी ने उपयोग किया, जहाँ जहाँ उनको दायित्व दिया गया था वो दायित्व सबने मिलके निभाया और इसके ऊपर पूरी कमांड कर रहे थे संगठन महामंत्री, हमारे संगठन मंत्री इंदौर संभाग के जयपाल सिंह जी चावड़ा। जहाँ जहाँ भी हमारा कुछ ऐसा लगता था, ये हालांकि आंतरिक बात होती है, जहाँ भी हमको ऐसा लगता था कि कुछ डैमेज हो रहा है हम उसको तुरंत उसका पेच वर्क करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिसी पे चुनाव लड़ती है, पूरी योजनाएं बनाती है, हमारी जो प्रदेश की लाभकारी योजना उसको नीचे तक आम जनता तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है चुनाव में। एक बड़ी खबर नेपानगर से, बड़ी खबर नेपानगर से, सुमित्रा कास्टकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई है, वो अभी तक आगे चल रही थी लेकिन अब 52 वोटों से पीछे हो गई है। नेपानगर में कांग्रेस ने अपनी जो लीड थी उसको कवर किया है और लीड कवर करके वो 52 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर है कांग्रेस के लिहाज से, सुकून भारी खबर कांग्रेस के लिए कि सुमित्रा कास्टकर पीछे हुई, हालांकि 52 वोटों की पीछे होना या 52 वोटों की लीड बहुत मायने नहीं रखती, जबकि अभी 15 राउंड्स की वोटिंग बाकी है, लेकिन कांग्रेस के लिए सुकून है कि नेपानगर में वो बढ़त बना रहे। हरदीप सिंह डंका, सुनील जी, बहुत विरोध हुआ, जहाँ जाते थे वहाँ उनको सवाल खड़े करते थे, उनको उनके खिलाफ नारेबाजी होती थी, उनको कहा जाता था कि वो क्षेत्र से बाहर चले जाएं, और उनसे बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, उन्हें कोरोना भी हो गया, कोरोना में भोपाल में भर्ती रहे, तमाम परेशानियों के बावजूद जिस तरह का नतीजा सामने आ रहा है
वो बता रहा कि ये सारा विरोध प्रदर्शन लगता प्रायोजित था क्योंकि वो लगभग 10,000 से आगे हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहना है। आज के पहले तक मुझे लगता है आप भी यही मान रहे होंगे, सारे लोग यही मान रहे थे कि हरदीप सिंह डंग जो है सुवासरा से जीतने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक आश्चर्यजनक परिणाम निकल कर सामने आया, जैसा मैंने पहले कहा कि सत्तारूढ़ दल का फायदा सीधा सीधा उम्मीदवार को मिलता है और जिस पार्टी की सरकार होती है उससे उम्मीदें होती जनता की, और कहीं ना कहीं हरदीप सिंह डंग का सुवासरा में जो प्रभाव रहा है और वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं को ये समझाने में कामयाब हुए कि अगर मैं जीतता हूं तो इस क्षेत्र का विकास होगा। एक बड़ी खबर बिसाऊलाल सिंह के क्षेत्र से, अनूपपुर क्षेत्र से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ अपने ही बूथ पर चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर बीजेपी के लिए मॉरल विक्ट्री, बिसाऊलाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप अपने ही बूथ पर चुनाव हार गए। सुनील जी, अपने ही बूथ पर उम्मीदवार चुनाव हार जाए ये बड़ी खबर होती है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? निश्चित तौर पर जब उनके क्षेत्र के जय रहवासी और जहाँ के मतदाता हैं अपना जिनका बूथ है वहाँ पर अगर लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव के आने वाली काउंटिंग को लेकर बाद के बूथों पर क्या स्थिति होगी ये सोचा जा सकता है। जेपी मूलचंदानी जी, अब नेपा नगर गोपी कृष्ण नीमा इंदौर के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, 3 बार के नगर अध्यक्ष थे, वो वहाँ काम संभाल रहे थे। अभी तक सुमित्रा कास्टकर आगे चल रही थी लेकिन अभी अभी वो पीछे हो गई हैं। और आप हमेशा से, मोगे जी भी दावा कर रहे थे, आपने भी कहा था हमारी डिबेट में कि निमाड़ मालवा हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, क्या एक एक हो जाएगा निमाड़ में? अरुण यादव की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है नेपा नगर में, क्या लग रहा है आपको? प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में चारों की चारों सीटें मध्य अपनी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसका एक कारण जैसे आपने बताया कि वरिष्ठ नेता भले प्रभारी के तौर पर जाते हैं परंतु वहाँ पे पूरे कार्यकर्ताओं को, जो भी प्रमुख नेता है चाहे वहाँ पे नंदू भैया हों, अर्चना चिटनिस जी हों, सभी ने काम किया है। चूंकि गोपी भैया अपने गोपी कृष्ण नीमा जी वहाँ प्रभारी थे तो उनका दायित्व तो बनता है कि सभी लोगों को उसको मैनेज करके उस सीट को अपने कहाँ क्या आवश्यकता है ये सारी जिम्मेदारी उनकी रहती है। परंतु उस क्षेत्र के सारे नेताओं को एक जाजम पर लाना और एक मंच से सबका सहयोग लेना, और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि 28 की 28 सीटों पर सारा भारतीय जनता परिवार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा था। और दूसरी बात, जिस प्रकार से मैंने बात कही कि शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना है हम लोग नीचे आम लोगों तक ले जाने में सफल हुए और उसी का ये परिणाम है कि सारी जगह आपको बढ़त मिल रही है। बाकी थोड़ी बहुत जो हम लोग अगर कहीं 2-4-5 सीटों पर पीछे भी है तो आपने देखा होगा 150 वोटों से हम जो है आगे पीछे हो रहे हैं, परंतु उस सीटों को भी हम कवर कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी और ऐतिहासिक मतों से होगी। सुनील जोशी जी, आगर मालवा में बहुत ही रोमांचक चुनाव चल रहा है, बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, कभी विपिन वानखेड़े आगे हो जाते हैं, कभी मनोज ऊंटवाल आगे हो जाते हैं। अभी तक 181 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल आगे चल रहे थे आगर मालवा में, लेकिन ताज़ा खबर ये है, ताज़ा रुझान ये है कि विपिन वानखेड़े आगे हो गए हैं। तो तू डाल डाल मैं पात पात, कभी तू आगे मैं पीछे, कभी मैं आगे तू पीछे, इस खेल में आगर मालवा जो भाजपा की परंपरा का सीट है, सुनील जी आप आगर मालवा का किस तरह से विश्लेषण करेंगे? आगर मालवा देखिए, एक तो नया जिला बना पिछली बार और मनोहर ऊंटवाल वहाँ से विधायक रहे। मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई तो वहाँ से मौका उनके बेटे को मिला, सिंपैथी के वोट वहाँ पर मनोज ऊंटवाल को मिल रहे हैं। साथ में विपिन वानखेड़े की बात करें तो पिछला चुनाव भी वे वहाँ से हार चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद भी विपिन वानखेड़े की आगर मालवा में सक्रियता है या सक्रियता जो रही है उसका फायदा उन्हें मिल रहा है, अन्यथा जिस तरह से रुझान आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होता। जेपी मूलचंदानी जी, जीतू पटवारी कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने बहुत दावा भर के ही कहा था कि वो हाट पिपलिया में मनोज चौधरी को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देंगे, 25,000 वोटों से हराएंगे। लेकिन ताज़ा रुझान ये है कि हाट पिपलिया में मनोज इस वक्त कंफर्टेबल बढ़त बना ली है, 5,000 की लीड विधानसभा चुनाव में सुनील जी काफ़ी अच्छी मायने रखती है। ये जो 5,000 की वोट की लीड उनकी मनोज चौधरी की हो गई है, आपको क्या लगता है कि जीतू पटवारी जो दावा कर रहे थे कहीं ना कहीं सावेर में, दावा कर रहे थे हाट पिपलिया में, क्या इन नतीजों के आने के बाद उनकी छवि और उनकी जो कद है उस पर फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो बड़बोले नेता हैं, बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। ये जो जनता का आज तमाचा कांग्रेस को पड़ रहा है, ये उनके मंत्रियों को पड़ रहा है, जो उनके बड़बोलेपन को पड़ रहा है ये आपके सामने है।
किस प्रकार की बात करते हैं, किस आधार की बात करते हैं। जब इनको जनता ने मौका दिया तब तो कुछ करा नहीं, वादे करके आए थे, इरादों में फर्क हो गया, और उसके बाद जिस प्रकार की उनकी, जिसको हम शब्द कहें, लफ्फेबाजी चल रही थी, वो खुद को स्थापित करने में लगे थे। वो पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव में उसके फेवर में कुछ भाषण नहीं दे रहे थे। जितनी भी आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने एक दादी माँ से पूछा कि भैया कौन गलत था, तो दादी माँ ने बोला कांग्रेस गलत थी, कमलनाथ जी गलत थे। ये ना, उनके सामने जनता ये बोल रही कि हम कांग्रेस को पसंद नहीं करते, परंतु फिर भी वो जीत के खोखले दावे कर रहे हैं। फिर भी हमने बोला कि ठीक है, क्योंकि सत्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, और सत्य की जो निष्ठा है वो जनता की, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने की थी। और आज जो परिणाम आ रहे हैं लगातार, अभी मेरे पास एक लेटेस्ट अपडेट आया है, 11,500 वोटों से हम आगे चल रहे हैं, यानी तुलसीराम सिलावटी सांवेर के मतों से, और अभी केवल 8 राउंड हुए हैं, 28 राउंड है, तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, और जीतू पटवारी जैसे लोगों को घर बिठाने का काम करेंगे। अगर उनकी खुद की सीट पर अगर चुनाव आज करा दिए जाए तो उनको भी जनता घर बिठा देगी। उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं करा है, कोरोना के काल में हमने देखा वो केवल एसी रूम में बैठे रहे, और चुनाव में बड़ी बड़ी बातें और बड़बोलेपन से काम नहीं होता है, मैदान पे जाकर कार्यकर्ताओं के साथ और आम जनता के दुख दर्द को बांटना पड़ता है। सुनील जोशी जी, मालवा में कांग्रेस के जो कमलनाथ जी ने कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं पर भरोसा किया, एक तो जीतू पटवारी जिनको जिम्मेदारी दी गई सांवेर की और हाटपिपलिया की, दूसरे सज्जन सिंह वर्मा जिनको जिम्मेदारी दी गई थी सांवेर और हाटपिपलिया की। और अंदरूनी खबर यह है कि जीतू पटवारी जी से कहा गया था कि वो केवल सांवेर को फोकस करें और सांवेर पर ध्यान लगाएं, और सज्जन वर्मा को कहा गया था कि वे हाटपिपलिया करें। ये दोनों कांग्रेस के मालवा के बड़े नेता हैं, चेहरे हैं, और जीतू पटवारी तो जैसा कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। कमलनाथ जी को इन नतीजों के बाद हो सकता है कमलनाथ जी दो में से कोई एक पद छोड़े, तब अगर प्रदेश अध्यक्ष छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद बनने के सबसे बड़े दावेदार। क्या ये नतीजे, अगर यही नतीजे रहते हैं और यही परिणाम रहते हैं, तो सुनील जोशी जी क्या सज्जन वर्मा और जीतू पटवारी की राजनीति पर, उनके कद पर और जो हाईकमान पर उनकी पकड़ है, उस पर फर्क पड़ेगा? हाईकमान पर पकड़ की बात करें, जीतू पटवारी सीधे राहुल गांधी से संपर्क रखते हैं, लेकिन उनका अति आत्मविश्वास और बिना सोचे समझे बोलना निश्चित तौर पर उनके लिए नुकसानदायी हो सकता है, और ये परिणाम जो इस समय आए हैं। पर सवाल यहाँ ये उठता है, आप इन जो जब दोनों नेताओं की बात करते हो तो कांग्रेस में वे नेता कौन जो इनके बाद कांग्रेस की कमान संभाले, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। और इन लोगों और कमलनाथ के बाद प्रदेश में कौन ये बड़ा सवाल है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जैसा आपने कहा कि वे स्वाभाविक दावेदार हो सकते हैं अगर कमलनाथ इस चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें या विपक्ष के नेता के पद पर से इस्तीफा दें। तो मुझे लगता है कि दोनों ही नेता, अगर बात करें तो सीधे सीधे संपर्क की बात करें, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें तो कमलनाथ से जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य को लेकर भी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं दिखती इस समय, नहीं दिखती, क्योंकि कांग्रेस आने वाले समय में 4 साल तक कहीं कोई एक अच्छी स्थिति में आने की उम्मीद नहीं दिखती है। और जीतू पटवारी का कद निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनके बड़बोलेपन और आत्मविश्वास की वजह से कम होगा। सुनील जी, चंबल से दो बड़ी खबर आ रही है। चंबल से बड़ी खबर ये है कि महगाव, जहाँ पे मंत्री ओपीएस भदौरिया और सत्यदेव कटारे कांग्रेस के बड़े नेता, उनके बेटे हेमंत कटारे के बीच में मुकाबला था, वहाँ लगातार हेमंत कटारे आगे चल रहे थे, मगर अब महगाव से ओपीएस भदौरिया आगे हो गए हैं, तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी खबर जोरा से आ रही है, हमारे इंदौर के ही पंकज उपाध्याय वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार से, वे लगातार आगे चल रहे थे जोरा में, लेकिन जोरा में अब वो पीछे हो गए हैं और सूबेदार सिंह राजोदा वहाँ पर आगे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये दो बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर, एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त डीजेएनएन न्यूज पर, सबसे पहले कि सुर्खी विधानसभा सीट पर मतगणना रोक दी गई है, बड़ी ब्रेकिंग, बिग ब्रेकिंग, सुर्खी विधानसभा सीट पर मतगणना रोक दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू की आपत्ति के बाद वहां पर मतगणना को रोका गया है। एक मशीन का नंबर मिस था, एक मशीन का नंबर मिल नहीं रहा था, उसको लेकर पारुल साहू ने मचाया। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह राजपूत, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हैवीवेट प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री रहे थे अभी विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के थोड़े दिन पहले उनका मंत्री पद 6 महीने कारण गया था। पूर्व मंत्री हैं दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के, बहुत ही नजदीकी हैं, बहुत ही कट्टर समर्थक हैं,
वहां पर चुनाव रोका गया है। सागर की सुर्खी सीट से बड़ी खबर यह है कि सागर की सुर्खी सीट पर जहां से गोविंद राजपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व परिवहन मंत्री हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस प्रत्याशी पारुल संतोष साहू की आपत्ति पर मतगणना को रोक दिया गया है। सुनील जोशी जी, मैं बात कर रहा था महगांव और जोरा की, दोनों सीट पर कांग्रेस लगातार आगे चल रही थी, मगर अब कांग्रेस वहां दोनों सीट पर पीछे हो गई है। कांग्रेस एक तरह से सुबह से जो रुझान आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था, या थोड़े दिन पहले की बात करें, कई सारे पत्रकार जब उस क्षेत्र का दौरा कर चुके तो उनका ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस फायदे में है। लेकिन अब जो परिणाम आ रहे हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस निर्णय को लेकर वहाँ के लोगों का विरोध है, लेकिन अब जो परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद जो लोगों की निगाह में घटता नजर आया था अब बढ़ने की स्थिति में है। और वहाँ के उनके क्षेत्र में अगर पार्टी हारती तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक दुखद खबर होती, उनके कद को लेकर, उनके निर्णय को लेकर लोगों की जो बात है, लोगों की जो सोच है, उस पर बात करने की बात होती। जेपी मूलचंदानी, कांग्रेस शुरू से कह रही है कि शासन प्रशासन आपके साथ है, शासन प्रशासन की भूमिका ठीक नहीं, कलेक्टर जो है वो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कलेक्टर एसपी भाजपा का बिल्ला लेकर घूम रहे हैं। और ये सुर्खी में जिस तरह से एक मशीन मिचमैच हुई है, आपत्ति लिए पारुल साहू ने और वहाँ मतगणना रोकी गई है, क्या ये मान लिया जाए कि आपने शासन प्रशासन का, सुनील जोशी जी भी कह रहे हैं कि शासन प्रशासन का लाभ मिलता है सत्ताधारी दल को, ये एन केन प्रकार एंड बाय हुक बाय क्रूक जोड़ तोड़ करके आप अपना बहुमत बचाना चाहते हैं, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग? नहीं, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था, आज फिर उस चीज़ को दोहराता हूँ कि कांग्रेस की स्क्रिप्ट पहले दिन से तैयार है। सबसे पहले उन्होंने बोला गद्दार, फिर बोला बिकाऊ, फिर बोला टिकाऊ, फिर इनके 3 तारीख को जिस दिन मतदान होना था उस दिन दिग्विजय सिंह का ट्वीट आता है कि ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, फिर इन्होंने बोला प्रशासन और शासन, और 10 तारीख को मैंने आपको बोला था ये बोलेंगे कि जनता ने हमको धोखा दिया है। तो इनकी स्क्रिप्ट पूरी तैयार है। जहाँ तक टेक्निकल बात आपने करी है, अगर कुछ मशीन में कोई दिक्कत आती है तो पारुल शाह जी ने आपत्ति लिए तो वहाँ के जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी ने, उन्होंने उस मशीन को अलग करके उसको रुकवा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 6 सीटों पर आपके स्क्रीन पर देख रहा हूँ मैं कांग्रेस आगे चल रही है, तो क्या ईवीएम वहाँ पर ठीक है? यानी 20 और 21 सीटों पर अगर भाजपा आगे चल रही है तो वहाँ ईवीएम में गड़बड़ है। तो ये दोहरी जो राजनीति है और जो दोहरापन है कांग्रेस का, ये जनता समझ चुकी है। और मुझे लगता है कि जब ये जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम अच्छी रहती है, और जब ये हारते हैं तो आरोप लगाना चालू कर देते हैं। हालांकि मैं इसको आपके लिए कांग्रेस का दायित्व ये है, थोड़ी सी बुरी खबर जी, 20 से आप 18 पर आ गए हैं, कांग्रेस 7 से 9 पर आ गई है, भांडेर सीट पर भी कांग्रेस आगे हो गई है, फिर एक बार रक्षा सिरोनिया पीछे है। सुनील जोशी जी, बड़े नजदीकी मुकाबले, आगरमालवा में बहुत नजदीकी मुकाबला हो रहा है, भांडेर में बहुत नजदीकी मुकाबला हो रहा है, इसी तरीके नजदीकी मुकाबला जो है वो महगांव में ओपीएस भदौरिया और हेमंत कटारे के बीच में हो रहा है। तो ये जो नेक टू नेक फाइट चल रही है, जोरा में नेक टू नेक फाइट चल रही है, पौरी में नेक टू नेक फाइट चल रही है, ये जो 5-6 सीटें हैं, ये जब लास्ट फाइनल टेली होगी तो उस समय एक बड़ा अंतर डालेगी दोनों ही दलों की एक अंतिम तालिका पर। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये जब प्रतीक जी आपने जो नाम लिए हैं, सारी सीटें जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र की हैं, उनके समर्थकों की हैं सीटें, वहाँ पर नेक टू नेक फाइट होना भी मुझे लगता है कि एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चैलेंज है। उनके लिए ये खबर है कि उनके क्षेत्र में जहाँ उनका प्रभाव है, उनकी रियासत है, पुरानी रियासत रही है, वहाँ पर इस तरह का चैलेंज मिलना आने वाले समय के लिए खतरनाक संकेत है। और निश्चित तौर पर इस तरह की जो नेक टू नेक फाइट चल रही है वो आने वाले समय में या अंतिम समय में कहीं बड़ा उलटफेर ना कर दे, इसकी भी आशंका मुझे लगती है। बदनावर की हम बात करें, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में शायद संभवतः वे सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार साबित होंगे। जिस तेजी के साथ उनकी लीड बढ़ती जा रही है, उनकी लीड लगभग 20,000 वोटों के आसपास पहुंच गई है, हालांकि वहां पे 9 राउंड्स की गिनती भी पूरी हो चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि दत्तीगांव ने बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूँ कि दत्तीगांव सबसे पहले इस्तीफा देने वालों में शामिल थे। 22 लोगों ने इस्तीफा बहुत बाद में दिया, मार्च में दिया, लेकिन दत्तीगांव ने तो चुनाव जीतते ही कमलनाथ जी को इस्तीफा सौंप दिया था। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और मंत्रिमंडल में जब शामिल नहीं किया गया था दत्तीगांव को, तो उससे नाराज होकर वे कमलनाथ को इस्तीफा देकर आ गए थे, और उन्होंने उसके बाद वे भोपाल नहीं गए।
तो दत्ती गांव की नाराजगी सबसे पहली नाराजगी थी जो उन्होंने कांग्रेस में अपनी जाहिर कर दी थी, और यही वजह है कि दत्ती गांव के खिलाफ टिकाऊ और बिकाऊ का नारा नहीं चला, क्योंकि इस्तीफा देते ही उन्होंने बदनावर की चौपाटी पर एक सभा की थी और उस सभा में उन्होंने बता दिया था कि वो अपना इस्तीफा कमलनाथ जी को देकर आ गए हैं। तो दत्ती गांव के प्रति जो जनसमर्थन है, और कांग्रेस जिस तरह से बीच चुनाव में अपना उम्मीदवार बदला उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि मैं कहूँगा कि हार ही चुकी है। तो इस दत्ती गांव के चुनाव को लेकर जेपी मूलचंदन जी आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से बदनावर चुनाव में मैं खुद भी वहां पर काफी बार गया था और मैंने देखा कि वहां की जनता का जो ट्रेंड था वो पूर्ण रूप से दत्ती गांव जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ था। मैं जेपी आपको रोकना चाहूंगा, हमारे ग्वालियर के संवाददाता प्रबुद्ध वर्मा हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रबुद्ध वर्मा जी को मैं लाइन पर लूंगा। प्रबुद्ध, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रबोध, क्या अपडेट्स हैं ग्वालियर चंबल संभाग में? आप वहां पर मौजूद हैं, सुबह से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार नतीजे बता रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार आपने अपडेट्स दिए, सबसे पहले अपडेट्स आपने डीजीएनए पर दिए, अभी ताजा स्थिति क्या है? ताजा स्थिति अगर ग्वालियर संभाग की अगर बात की जाए तो ग्वालियर संभाग में तीनों सीटें हैं, तीनों सीट में ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर में और डबरा सीट, तीनों सीट से बीजेपी खेमे के जो उम्मीदवार है तीनों सीट से भी आगे चल रहे हैं। और प्रबुद्ध, मुरैना की हालात क्या है? मुरैना ग्वालियर से लगा हुआ है, मैं आपको सुबह से कह रहा हूँ कि मुरैना की भी अपडेट्स आप देते रहिए। जी, मुरैना में अगर देखा जाए, मुरैना में 5 सीटें अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के खेमे में गिर रही हैं, अभी एक सीट जो है वो बीजेपी खेमे में है। और अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में अभी इस समय सबसे आगे प्रद्युमन सिंह तोमर चल रहे हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर 551 वोट से, जो कि अभी इनका 5वां चरण है। और इमरती देवी के हालात बताइए, बड़ा चर्चित नाम रहा है डबरा का, चुनाव पूरे देश में चर्चित हो गया, कमलनाथ ने जो शब्द बोला था क्या उस शब्द का असर हुआ है? इमरती देवी की लीड क्या है वहां पर? जी, अगर ग्वालियर की बात कर दिया तो ग्वालियर में 336 वोटों से अभी इमरती देवी आगे चल रही है, सबसे कम जीत अभी इनकी ग्वालियर में है। पहले प्रद्युमन सिंह तोमर है 551 वोटों से आगे, दूसरे नंबर पर मुन्नालाल गोयल है 2470 वोटों से आगे, और तीसरे नंबर पर इमरती देवी है 336 वोटों से आगे। प्रबुद्ध, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सतीश सिकरवार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उनको कांग्रेस में लाया गया, और वो बड़े सिकरवार परिवार जो सुमावली से आता है और जहाँ गजेंद्र सिंह और गजराज सिंह और उनके भाई नीटू, ये सारा बड़ा प्रभावशाली परिवार है, वो सतीश सिकरवार कांग्रेस में आने के बाद भी वो कुछ प्रभावशाली काम क्यों नहीं कर रहे? मुन्नालाल गोयल की सीट तो बहुत ही, मुन्नालाल गोयल को बहुत कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था, माना जा रहा था कि मुन्नालाल तो इस बार चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे, लेकिन मुन्नालाल भी 2500 से आगे चल रहे हैं, इसकी क्या वजह पाते हैं आप? जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो मुन्नालाल गोयल की जो पूरब की सीट है उसमें कम से कम 60-65 हजार दलित वोट बैंक है, और दलित वोट बैंक है वो सतीश सिकरवार के थोड़ा खिलाफ है, वो मुन्नालाल गोयल के सपोर्ट में है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सुमावली जो क्या नाम है यहाँ ग्वालियर का जो क्षेत्र है जो दलित क्षेत्र है उसके लिए मुन्नालाल गोयल ने काफी अच्छे काम करे हैं, रोड बनवाई है, इस चक्कर में जितने जो वोट है मेरे को लगता है जो दलित वोट बैंक है वो पूरा मुन्नालाल गोयल के खेमे में ही जा रहा है। इमरती देवी बहुत मामूली वोटों से आगे चल रही है, 330 वोट बहुत कम वोट होते हैं, क्या इमरती देवी का जो चुनाव है वो नरोत्तम मिश्रा के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव है? आपको क्या लगता है, क्या इमरती देवी अपनी सीट बचा पाएंगी, जो कि पिछला चुनाव तो वो बहुत ज्यादा वोटों से जीती थी, लगभग 57,000 वोटों से जीती थी? जी, जैसे कि अभी मेरी इमरती देवी से जब बात हुई थी जब उनका बाइक ले रहे थे तो इमरती देवी ने बोला था कि मैं 20,000 से लेकर 70,000 तक से जीतूंगी, वोटो जीतूंगी, इनके बीच में जीतूंगी और 20 से नीचे मेरा रेशियो नहीं जाएगा, मगर अभी देखा जा रहा है कि इनकी जीत जो है अभी 336 ही अभी वोटों से आगे चल रही, सबसे कम वोटों से आगे चल रही तीनों प्रत्याशियों में से, इसका मतलब जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़े कमजोर प्रत्याशी रूप में देखने को सामने आ रही है। बहुत धन्यवाद प्रबुद्ध, निगाह बनाए रखिए, अपडेट्स देते रहिए, ग्वालियर के साथ मुरैना जिले के बारे में बताते रहिए, आप सुबह से लगे हुए हैं, बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और लगातार अपडेट्स देते रहिए, धन्यवाद प्रबुद्ध वर्मा। सुनील जी, प्रबुद्ध वर्मा को आप सुन रहे थे, प्रबुद्ध वर्मा बता रहे कि ग्वालियर के अंदर तो बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, तीनों सीट पर आ गए, लेकिन मुरैना में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर वहां के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां एक सीट पर आ गए और कांग्रेस वहां 5 सीटों पर आ गए, किस तरह से लेते हैं इसको आप? इसको अगर हम देखें, उम्मीदवार सारे सिंधिया खेमे के हैं, वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़रूर है, पर जैसा मैंने कहा चंबल ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस निर्णय को लेकर भी लोगों की आवाज़ उठी, और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी हर क्षेत्र में हर जगह किसी नेता के फैसले को लेकर उसी दिशा में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो
सरकार के प्रति भी नाराजगी लोगों की हो सकती है, उम्मीदवारों के प्रति हो सकती है, और बड़ा कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कार्यकर्ता जो इन नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो लगातार उनसे उनके विरोध में काम करते रहे और उन लोगों को फिर इनके समर्थन में काम करना पड़े, और ग्वालियर चंबक संबल संभाग की तासीर को आप समझते हो कि वहाँ के लोगों का ईगो कितना हाई होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 3-4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से वहाँ पर हार का सामना करना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद सुनील जोशी जी, जेपी मूलचंदानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से बात की, हम आपको फिर आगे भी आपको बुलाएंगे, आपकी सलाह लेंगे, आपकी राय लेंगे इस तमाम उपचुनावों को लेकर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है ये, केवल उपचुनाव नहीं है बल्कि मैं तो इसे कहता हूँ कि ये महाचुनाव है और 2018 के चुनाव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव से तय होगा कि सरकार बचेगी या जाएगी। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, एक भी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ, नए मेहमानों के साथ। धन्यवाद।